आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीका है चेंज करने का। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने फ़ोटो को बहुत मेहनत करके क्रॉप करके चेंज करते हैं बैकग्राउंड, लेकिन उनका अच्छा से चेंज नहीं हो पाता है बैकग्राउंड। तो आज मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस पर सर्च करना है रिमूव बीजी। सर्च करने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड इमेज पर एक बार क्लिक करना है, फिर अपने इमेज को सिलेक्ट करना है। मैं अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो ऑटोमेटिकली ही बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए, और इसका ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, आप जो लगाना चाहते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड, वो चेंज कर सकते हैं आप। इसके लिए हमें अपने पिक आर्ट ऐप में जाना होगा। पिक आर्ट्स ऐप तो बहुत सारे लोग रखते हैं, इसी से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जो मन चाहे वो बैकग्राउंड। चलिए पिक आर्ट को ओपन कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसमें सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, मैं बता देता हूँ। प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा। एक बार क्लिक करने के बाद अगर आपके गैलरी में बैकग्राउंड का इमेज है तो गैलरी से चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। अगर नहीं है तो पिक आर्ट में ऑलरेडी बैकग्राउंड दिए जाते हैं, आपको जो बैकग्राउंड पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं बैकग्राउंड एक सिलेक्ट करके वो दिखा रहा हूँ। मैं ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं, बस नीचे में ऐड फोटो का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐड फोटो पर एक बार बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फोटो आपने क्रॉप किए हैं वो फोटो को सिलेक्ट करके ऐड एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो को आप बिग स्मॉल साइज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। मैं अपनी इमेज को सेट कर लिया हूँ। देखिए, जितना आप चाहें बिग स्मॉल साइज कर सकते हैं। उसके बाद टिक का ऑप्शन करके एरो का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे सेव कर देना है, सेव टू गैलरी। आपके गैलरी में ये सेव हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, ये मेरा फ़ोटो है जो सेव हो चुका है गैलरी।